हेलो दोस्तों, मैं अमित खजाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक हमारा जो रेशो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम दो तीन सेशन कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक के जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी प्रीवियस ईयर के ही हैं, वो तो सर आपको पता ही है खैर, ठीक है। ये जो इस सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी जो एग्जाम्स हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई माह के दौरान रामू ने 3,225 रुपये बिजली बिल भुगतान, 1,290 रुपये पानी बिल भुगतान, 5,160 रुपये टेलीफोन बिल भुगतान और 645 रुपये केवल केबल बिल भुगतान पर व्यय किया। इन बिलों का भुगतान करने के पश्चात उसके पास उसके मासिक वेतन की 84% धनराशि शेष रहती है। शेष धनराशि में से वह 20% खाद्यान्न क्रय पर व्यय करता है और शेष धनराशि वह म्यूचुअल फंड एवं भविष्य निधि में क्रम से 5:3 के अनुपात में निवेश करता है। वह प्रति माह म्यूचुअल फंड में कितनी धनराशि का निवेश करता है? देखिए, पहले तो जो उसने ये जो चार खर्चे जो उसने दिए हैं वो क्या दिए गए हैं? टोटल इनकम का 16%, ठीक है। 16% क्यों? क्योंकि इन सबको खर्च करने के बाद उसके 84% धनराशि शेष रहती है। यानी कि सीधी सी बात है, ये जो आपके पास जो चार जो उसने एक्सपेंडिचर दिए थे वो टोटल इनकम का 16% होगा, क्योंकि 84% उसके ऊपर बचा हुआ है। पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल का 16% बनता कितना है, ठीक है। यानी कि टोटल का 16% जो है वो कितना है? 3,225 प्लस 1,290 प्लस 5,160 और 645, ठीक है। 5, 5, 10, 2, 2, 9, 11, 11, 6, 17, 21 और 1, 22 बचा, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 6, 11 और 2, 13, 1 बचा, 5, 3, 8, 1, 9 और 1, 10। यानी कि 10,320 रुपए जो था वो 16% है उसकी टोटल इनकम का, ठीक है। यानी कि टोटल इनकम देख लें कितनी हो जाएगी, 10,320 × 100 और डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 16 से आप इसको काटेंगे, 6 बार 96, 7, 2, 4 और 5, यानी कि 64,500 रुपये उसकी कुल आय बनती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है कि बिलों का भुगतान करने के बाद उसके पास 84% धनराशि शेष रहती है और शेष धनराशि में से यानी कि इस 84% में से वह 20% खाद्यान्न क्रय पर व्यय करता है, ठीक है। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं कि जो उसके पास 84% धनराशि थी उसमें से 20% उसने खर्च कर दिया, यानी कि खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा होगा? 80%, ठीक है भाई। हमने सीधा यहां से क्या किया कि वो जो 20% था उसको माइनस करके हमने सीधा उसका शेष धनराशि निकाल ली, ठीक है। यानी कि 84 का 80%, ठीक है। अब ये उसके पास शेष बचती है। अब अगर ये शेष बचती है तो वो जो बची हुई राशि है उसको वो करता है 5:3 के अनुपात में म्यूचुअल फंड और भविष्य निधि। तो हम यहां रेशो जो आपको दे रखा है वहां से हम सीधा म्यूचुअल फंड की धनराशि निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने म्यूचुअल फंड ही पूछा था, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की धनराशि या म्यूचुअल फंड का भाग कितना होगा? आपके पास 5 भाग जो है म्यूचुअल फंड है और टोटल भाग है 8। यानी कि जो उसके पास धनराशि बची हुई थी उसका 5/8 हिस्सा उसने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, ठीक है। 5/8 म्यूचुअल फंड में और 3/8 भविष्य निधि में। अब चूंकि हमसे म्यूचुअल फंड पूछा है तो हमको भविष्य निधि का कुछ करना है नहीं, हम सीधा क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड की धनराशि देख लेंगे कि म्यूचुअल फंड में उसने कितना निवेश किया है। तो यानी कि 5/8, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो गया, इससे इसको काटेंगे, 8 से 8 कट गया, ठीक है। आप 84 × 5 करेंगे, 420/10 यानी कि 42%, ठीक है। यानी कि उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल धनराशि का उसने 42% जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश किया, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की ही आपसे धनराशि पूछी थी कि म्यूचुअल फंड में वह कितनी धनराशि का निवेश करता है, यानी कि 64,500 का उसने 42% जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ठीक है। 0 से 0 काट दिया,
बयालीस का पांच में इसके मल्टीप्लाई करेंगे 645 में, तो 42 गुना पांच 210, और 42 गुना चार 168, और 21 189, और 42 गुना छः 252, और 18 270, यानी कि 27,090 रुपये उसने म्यूचुअल फंड में निवेश किया। ठीक है, 27,090 रुपये। जल्दी से देख लीजिए हमने इसमें किया क्या है कि ये जो उसने पहले खर्चे जो बताए थे वो उसने बताए थे 16%, क्योंकि ये खर्च करने के बाद उसके पास 84% धनराशि शेष बच जाती है। ठीक है, तो यानी कि टोटल का 16% जो था ये चारों का टोटल था, तो हमने टोटल धनराशि निकाल ली। अब 84 का 20% खादानों पर व्यय कर दिया, यानी कि 84 का अगर 20% खर्च कर दिया तो 84 का 80% उसके पास बचा होगा। ठीक है, और 84 का 80% जो बचा है उसको उसने 5:3 के अनुपात में म्यूचुअल फंड और भविष्य निधि में निवेश किया, यानी कि 84 का 80% और उसका 5/8 भाग जो है उसने म्यूचुअल फंड में निवेश किया। तो हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का ही निवेश देख लेंगे कि कितने प्रतिशत उसने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। ठीक है, जो परसेंटेज आती है टोटल का उतना ही परसेंटेज निकाल दो, आपको मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में कितनी धनराशि उसने निवेश की। आगे बढ़ते हैं। किसी राशि को पी क्यू आर के बीच 6:19:7 के अनुपात में बांटना है। ए यदि ए नहीं है इसमें, इसको हटा दें। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपए क्यू को देता है तो पी क्यू आर के राशि का 3:10:3 हो जाता है, तो कुल राशि कितनी है। ठीक है, यहां ए का कोई काम नहीं है, ये मिसप्रिंट होगा। देखिए पी क्यू आर के बीच का जो अनुपात है वो है 6:19:7। अब ये है पी क्यू आर। ठीक है, आर ने यानी कि इस सात वाले ने अपने हिस्से से 200 रुपए क्यू को दे दिए, यानी कि पी क्यू आर को हमने ऐसे भी क्वेश्चन पहले भी किए हैं, यानी कि 6x, 19x और 7x आप ले सकते हो। ठीक है, तीनों के साथ आपने x लगा लिया। अब इसने क्या किया कि R ने अपने हिस्से से 200 रुपए Q को दे दिए। ठीक है, यानी कि R ने अपने हिस्से से 200 रुपए Q को दे दिए। अब अगर R ने उसको दिए हैं तो R के तो 200 रुपए कम हो गए, लेकिन Q के पास 200 रुपए बढ़ गए। ठीक है, यानी कि Q के पास इतना पैसा हो गया और R के पास इतना पैसा। ठीक है, और नया अनुपात जो है पी क्यू आर का 3:10:3, यानी कि यहां से हम सिर्फ क्यू आर का अगर ले लें तो क्योंकि हमारे पास क्यू और आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अगर इसको आप ऊपर नीचे लिखना चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां से सीधा आर और क्यू का, यानी कि यहां देखें आप ये कितना है 7x था आर का। ठीक है, तो आर का यहां क्या है तीसरे वाले पे, यानी कि 3/ क्यू था 19x और यहां क्यू है दूसरे नंबर पर, यानी कि 3/10। ठीक है, या तो आप इनको ऊपर नीचे लिख लो क्यू आर की फॉर्म में ही। ठीक है, पहले क्यू उसके बाद आर, या फिर ऐसे आर और क्यू भी लिख सकते हो, हमने तो बस रेशो देखना है। 7x-200 आर के पास है, 19x+200 क्यू के पास है, और यहां से आर और क्यू का रेशो कितना है 3:10 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 70x-2000 = 57x+600। ठीक है, 57x को इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि 13x बचेगा, और 2000 को इधर उठा के ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 2600। तो x बराबर कितना हो गया 2600/13, यानी कि 200 रुपए। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 200 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि कुल धनराशि कितनी थी। ठीक है, यानी कि कुल धनराशि कितनी थी आपके पास 6, 19 और 7, यानी कि 6 और 19 25, 25 और 7 32x, तो 32x का मतलब 200, तो टोटल धनराशि होगी उनके पास 6400 रुपए। ठीक है, बस जितना आर ने अपने हिस्से में से दिया है उतना माइनस कर दो, क्यू के साथ उसको प्लस कर दो, और दोनों का अनुपात देख लीजिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू आने के बाद तीनों का टोटल। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। दो कंपनियों ए और बी की आय 5:8 के अनुपात में है। यदि कंपनी ए की आय 25 लाख रुपए से अधिक हो तब उनकी आय का अनुपात क्रम से 5:4 होगा, कंपनी बी की आय क्या है। देखिए यहां ये जो कह रहा है कि 25 लाख रुपए से अधिक हो,
25 लाख रुपए से अधिक होने का मतलब है कि अगर ए की आय 25 लाख रुपए अधिक हो जाए तो उनका नया अनुपात हो जाएगा 5:4। ठीक है, यानी कि ए और बी की आपके पास अभी जो आय है वो है 5x और 8x। अगर ए की आय में 25 लाख की वृद्धि, ठीक है 25 लाख उसने बोला है, 25 ही लिख लीजिए, ठीक है लाख को हम बाद में ऐड कर देंगे, तो 25 लाख की अगर वृद्धि हो जाए तो इनका नया अनुपात, ठीक है यानी कि ये तो 8x ही रहेगा क्योंकि उसकी वृद्धि बी की में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो इनका नया अनुपात हो जाता है 5:4। ठीक है, क्योंकि नया अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है, तो कितना हो जाएगा 20x+100 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 40x। 20x को उठा के इधर लेंगे, 20x बस बराबर बचा 100, यानी कि x बराबर 5। ठीक है, x का बराबर 5 लाख रुपए आपका आ गया। तो कंपनी बी की आय कितनी है, कंपनी बी की आय कितनी है 8x, यानी कि 5 × 8 40 लाख रुपए उसका बी की इनकम। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन जो था बस यही एक पॉइंट था कि 25 लाख रुपए से अधिक हो, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ए की आय 25 लाख रुपए बढ़ जाए, ठीक है यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले सेशन में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि जहां आपको इस तरह की वृद्धि अगर दे दी जाए तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपको अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5 का, इसके साथ आप 2 जीरो और लगा लो। ठीक है, यानी कि ए बी और सी, ए का आप मान लो 200 रुपए, बी का मान लो 300 रुपए और सी का मान लो 500 रुपए। ठीक है, क्योंकि रेशो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। 2, 3, 5 यानी कि 200, 300 और 500 आपने मान लिया ए बी सी की आय या ए बी सी का वेतन। अब इनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 15% को आप क्या कह सकते हो 3/20 भाग, 10% को आप क्या कह सकते हो 1/10 भाग, और 20% को आप कह सकते हो 1/5। ठीक है, परसेंटेज को अगर आप काउंट करते हैं परसेंटेज से भी हो जाएगा, पीछे में क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो 200 का 3/20 कितना हो जाएगा, 20 से आप 200 को काटेंगे 10 बार और 10 × 3 = 30, यानी कि ये तो बढ़ के हो गया 230 रुपए। ठीक है, क्योंकि वृद्धि ये कह रहा था, तो 15% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 200 का, अगर आप 15% भी निकालेंगे तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, तो 30 की वृद्धि तो मतलब हो गया 230। बी के वेतन में 10% की वृद्धि यानी कि 1/10 भाग की। ठीक है, इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा 300 का 10वां हिस्सा 30 रुपए, यानी कि ये 30 रुपए बढ़ के हो गया 330। और सी का वेतन जो है वो 20% बढ़ता है यानी कि 5वां हिस्सा, तो 500 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो 500 में बढ़ के हो गया 600 रुपए। ठीक है, नया वेतन आप निकाल लें यानी कि 23:33:60। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं, परसेंटेज को अगर आप पार्ट में कर लोगे तब भी हो जाएगा, या फिर आप सीधा सा परसेंटेज को भी काउंट कर सकते हैं। 15% की वृद्धि तो 200 का 115% निकालोगे 230 मिलेगा, 10% की वृद्धि है तो 300 का 110% निकालोगे तो 330 मिलेगा, और 20% की वृद्धि है तो 500 का 120% निकालोगे तो 600 मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक धनराशि को ए बी सी और डी में क्रमशः 3, 5, 9, 13 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,412 रुपए ज्यादा हो तो बी और डी की मिलाकर कुल धनराशि कितनी होगी। देखिए, यहां आपको दे रखा है किसका हिस्सा, सी और ए का टोटल। ठीक है, यानी कि सी प्लस ए आपको दे रखा है 2,412, और अगर आप रेशियो में काउंट करते हैं तो सी और ए कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी, ऐसा ही है। तो यहां से सी और ए का टोटल कितना हो गया 9 और 3 = 12। ठीक है, यानी कि अगर आप रेशो को काउंट करते हैं तो आता है 12, और उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखी है 2,412। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 2,412/12, यानी कि इससे इसको काटेंगे तो आपके पास बनेगा 201 रुपए। ठीक है, आपसे पूछा क्या था बी और डी की, यानी कि बी और डी का कितना हो गया 5 और 13 यानी कि 18 रुपए। ठीक है,
यानी कि बी और डी का आपको दे रखा था 18 रुपए, अगर एक के बराबर 201 है तो 18 के बराबर कितना, 18 गुना 1, यानी कि 18 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 18 गुना 2 36, यानी कि 3618 रुपये। ठीक है, यहां सी और ए का हिस्सा 2412, और यहां सी और ए का हिस्सा आपके पास है 3 और 9, यानी कि 9 3 12, 12 के बराबर आपको दे रखा है 2412, 2412 का मतलब 1 के बराबर आ गया 201। ठीक है, आपसे पूछा किसका है, बी और डी, तो बी और डी कितना है 13 और 5 18, तो इसके साथ 18 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3618, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, श्री एक्स ने कुछ राशि का डेबिट और इक्विटी फंड में क्रम से 4:5 के अनुपात में निवेश किया, एक वर्ष के अंत में उसने अपने निवेश पर कुल 30% लाभांश कमाया, एक वर्ष बाद उसने लाभांश सहित इस राशि का फिर से डेबिट और इक्विटी फंड में क्रम से 6:7 के अनुपात में निवेश किया, अब इक्विटी फंड में पुनः निवेशित राशि 94,500 रुपये थी, तो इक्विटी फंड में निवेशित मूल राशि कितनी थी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि आपको दो चीजों का रेशियो दे रखा था, डेबिट और इक्विटी फंड, ठीक है, 4 और 5, यानी कि डेबिट और इक्विटी फंड, इनका रेशियो आपको दे रखा था 4 और 5। अगर 4 और 5 रेशियो दे रखा है तो इसको आप 400 और 500 ले सकते हो। ठीक है, यानी कि डेबिट में मान लीजिए कि उसने 400 रुपए दिए और इक्विटी फंड में उसने दिए 500 रुपए। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि एक वर्ष के अंत में उसने अपने निवेश पर कुल 30% का लाभांश कमाया, यानी कि 30% का लाभांश का मतलब क्या हो गया कि आप ये भी कह सकते हो कि दोनों पे 30-30%। ठीक है, चाहो तो आप दोनों को एक साथ ऐड करके 30% निकाल लो, चाहे आप अलग अलग 30% निकाल लो, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका 30% देखूं तो 30% का अगर उसने लाभांश लिया है तो इसका 130% हो गया और इसका भी 130% हो गया। ठीक है, यानी कि 500 की बजाय उसको मिले अब 650 और 400 की बजाय उसको मिले 520। ठीक है जी, अब आप सोच रहे होंगे कि जी 30% तो सिर्फ एक को मतलब इस पे मिला था, कुल लाभांश पर। ठीक है, कुल लाभांश पर उसको 30% मिल रहा था, हमने इसको अलग अलग कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप ये देख सकते हो कि 400 और 500 यानी कि 900 रुपए उसने टोटल दिया था जिस पर उसको मिला 30% का लाभांश। ठीक है, तो 13 गुना 9 117, यानी कि 1170 रुपए। अब 1170 रुपए को दोबारा आपको 4 और 5 के रेशो में बांटना पड़ेगा, तो 1170 डेबिट में कितना हो जाएगा 4 और टोटल है आपका 9। ठीक है, तो इससे आप काटेंगे 130 130 गुना 4 520। ठीक है, तो सेम आएगा, डेबिट में आपका 520, बाकी जो बचेगा 650 वो इक्विटी फंड। तो या तो आप दोनों को ही 30-30% दे दो या टोटल का 30% निकाल के उसको दोबारा रेशो में बांट दो। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है। चलिए, हमने दोनों को अलग अलग करके इसको दे दिया, 520 रुपए डेबिट में हो गए उसके और इक्विटी फंड में हो गए टोटल 650 रुपए। ठीक है, अब वो कहता है कि एक वर्ष बाद उसने लाभांश सहित इस राशि का फिर से डेबिट और इक्विटी फंड में 6:7 के अनुपात में निवेश कर दिया, यानी कि जो ये पैसा अब उसको मिला, यानी कि टोटल पैसा कितना मिला 1170 रुपए। अब 1170 को इसने दोबारा 6:7 के अनुपात में निवेश कर दिया। ठीक है, यानी कि अब हम नया जो उसका निवेश देखेंगे तो डेबिट में कितना हो जाएगा 1170 का 6/13, क्योंकि 6:7 के अनुपात में डेबिट का अनुपात है 6, इक्विटी फंड का है 7, तो डेबिट का तो हो गया 6 और टोटल फंड हो गया इसका, जो इसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो है 13। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 540 रुपए उसने डेबिट में खर्च किए, डेबिट में निवेश किए, और बाकी जो बचते हैं 1170 माइनस 540, यानी कि 630 रुपए जो बचते हैं वो उसने इक्विटी फंड में जमा किए होंगे। ठीक है, या तो हम सीधा 1170 में से 540 निकाल दें तो बचा हुआ इक्विटी फंड आएगा, या फिर 1170 में 7 भाग जो था, 7 भाग वो था इक्विटी फंड का। ठीक है,
और टोटल भाग था 13, तो 13 × 9 117 और 9 × 7 63। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, बात वहीं आनी है। तो यानी कि हमने अब दोनों का निकाल लिया कि दोनों ने इसमें अब इक्विटी फंड में और डेबिट में उसने कितने कितने रुपए निवेश किए थे। अब देखते हैं पूछा क्या है आपसे। इक्विटी फंड में पुनः निवेशित राशि 94,500 रुपए थी। इक्विटी फंड में निवेशित राशि जो थी वो 94,500, यानी कि यहां इक्विटी फंड आपका कितना है 630, यानी कि 630 के बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 94,500। तो एक के बराबर देख लें कितना हो जाएगा, 94,500/630। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 21 का काट सकते हैं 3 बार, और 21 × 4 = 84 और 21 × 5 = 150, यानी कि 3 का मतलब आ गया 1 का मतलब आ गया 150। ठीक है, पूछा क्या था आपसे, इक्विटी फंड में निवेशित मूलतः राशि कितनी थी। इक्विटी फंड में आपने कितनी ली थी, 500 रुपए। ठीक है, क्योंकि इसको आपने 400 और 500 ले लिया था, तभी तो 30% बढ़ा था। यानी कि इक्विटी फंड में आपके पास मूलतः धनराशि कितनी हो जाएगी, 500 × 150 मतलब 75,000 रुपए इक्विटी फंड का। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिक सा इसमें आपने स्टार्ट कहां से करना है कि 4-5 का जो रेशो दे रखा है उसको कर लो 400-500। ठीक है, जितने परसेंट की वृद्धि उसमें दोनों को परसेंटेज निकाल लो कि 520 रुपए डेबिट के और 650 रुपए इक्विटी के। अब जो दोबारा टोटल जो आता है उसको दोबारा आपने 6:7 के अनुपात में बांटना है और फिर देखना है कि इक्विटी में उसको कितना गया हुआ है। ठीक है, इक्विटी की आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रखी है, दोनों को बराबर कर लीजिए, जो पूछा है वो बता दो। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमान डेक्स का मासिक वेतन अपने पिता के मासिक वेतन का 1/4 है। डेक्स की बहन का मासिक वेतन अपने पिता के वेतन मासिक वेतन का 2/5 भाग है। डेक्स की बहन 12,800 रुपए अध्ययन ऋण के रूप में अदा करती है जो उसके मासिक वेतन का 1/4 है। श्रीमान डेक्स द्वारा अपने मासिक वेतन में से किए गए बचत और व्यय का अनुपात 3:5 है, तो श्रीमान डेक्स प्रति माह कितनी धनराशि बचाते हैं। ठीक है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है स्टार्ट आप वहां से करो। ठीक है, जैसे अब यहां से उसने दे क्या रखा है कि डेक्स की बहन जो है 12,800 रुपए अध्ययन ऋण में अदा करती है और ये उसके मासिक वेतन का 1/4 भाग है। ठीक है, यानी कि यहां से आप उसकी बहन का पूरा मासिक वेतन निकाल सकते हैं, यानी कि डेक्स की बहन का मासिक वेतन। ठीक है, और इसका 1/4 उसने कितना दे रखा है, 10,000, 12,800, 12,800। ठीक है, तो यानी कि मासिक वेतन कितना हो जाएगा इसका, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0,0 × 4 × 8 = 32,000 × 51,200। ठीक है, यानी कि सीधा सा आपको 4 गुना करना था, तो डेक्स की बहन का मासिक वेतन हो गया 51,200 रुपए। अब देखते हैं डेक्स की बहन का वेतन का यूज उसने कहां किया हुआ है। देखिए, अब वो कहता है कि डेक्स की बहन का मासिक वेतन अपने पिता के मासिक वेतन का 2/5 भाग है। ठीक है, यानी कि जो डेक्स की बहन को जो वेतन मिलता है वो पिता के वेतन का 2/5 भाग है, यानी कि पिता के वेतन का मतलब मल्टीप्लाई, पिता के वेतन का 2/5 भाग जो है वो उसकी डेक्स की बहन का वेतन है। समझ में आ रहा है, जितना वो कह रहा है बस हमने उतना ही करना है। यानी कि पिता का वेतन कितना हो गया, 51,200 × 5 और 2/5। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 × 512 00, यानी कि 500, 5 × 36 = 3, 25 × 5 = 125 और 3 = 128। ठीक है, यानी कि पिता का वेतन हो गया 1,28,000 रुपए। ठीक है, अब उसने आगे क्या दिया हुआ है, और डेक्स का मासिक वेतन अपने पिता के मासिक वेतन का 1/4 है, यानी कि डेक्स का वेतन कितना हो गया, पिता के वेतन का यानी कि 1,28,000 का 1/4, यानी कि 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो 32,000 रुपए।
ठीक है, यानी कि डेक्स का वेतन भी आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि डेक्स अपने मासिक वेतन में से बचत और व्यय का अनुपात 3:5 है, तो श्रीमान डेक्स प्रति माह कितनी धनराशि बचाते हैं, यानी कि बचाते कितना है इसमें से 3 भाग, और कुल भाग कितना है उसका 5 और 3 8, यानी कि अपने मासिक वेतन का वो 3/8 भाग बचाते हैं, वही आपने देखना है। यानी कि इसका मासिक वेतन है 32,000 और 32,000 का 3/8 भाग वो बचाते हैं, यानी कि कितना बचाते हैं 12,000 रुपए। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या मिल गया 12,000 रुपए। तो शुरुआत आप वहां से करो जहां से कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, डेक्स की बहन का वेतन दे रखा था 1/4, तो पूरा वेतन आपने निकाल लिया, उसके बाद पिता का वेतन, उसके बाद श्रीमान डेक्स का वेतन। आगे बढ़ते हैं। आज से 8 वर्ष बाद तृषा की उम्र राशि की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद राशि की उम्र 7 वर्ष पूर्व तृषा की उम्र के बराबर होगी, आज से 4 वर्ष बाद राशि की उम्र और 3 वर्ष बाद तृषा की उम्र का अनुपात क्या है। देखिए, वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद जो है डबल होगा, तो हम चले जाते हैं पहले 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद जो है तृषा की उम्र जो है राशि की उम्र का 2 गुना, तो यानी कि राशि की होगी आपके पास x वर्ष, तो तृषा की कितनी होगी उसी से 2 गुना, मतलब 2x। ठीक है, समझ में आया। राशि की अगर आपने x ले ली तो तृषा की होगी उससे 2 गुनी, यानी कि 2x, लेकिन ये कब था, 8 वर्ष बाद। अब इसको अगर आप वर्तमान में लेते हैं, ठीक है, वर्तमान में अगर आप लेते हैं तो राशि का कितना हो जाएगा x-8, और तृषा की कितनी हो जाएगी 2x-8, क्योंकि 8 वर्ष बाद x और 2x थी, तो अगर हम वर्तमान में लेते हैं तो -8 -8 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद राशि की उम्र 7 वर्ष पूर्व तृषा की उम्र के बराबर होगी, यानी कि 6 वर्ष बाद राशि की उम्र कितनी हो जाएगी x-8, और 6 वर्ष बाद क्योंकि ये वर्तमान है तो 6 वर्ष बाद हो जाएगी +6, और 7 वर्ष पूर्व तृषा की उम्र, यानी कि 2x-8, तृषा की वर्तमान है और 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी -7। ठीक है, और ये दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि ये दोनों आपने कर दिए बराबर। जितना जितना क्वेश्चन के 2-2, 3-3 वर्ष पढ़ते जाइए और उतना उतना करते जाइए, ये हो जाएगा आपके पास x-2, और यहां आपके पास बचेगा 2x-15। ठीक है, x को उठाकर इधर ले आइए, x बचेगा, 15 को उठाकर इधर ले जाइए, तो प्लस का 15 है और माइनस का 2, मतलब 13, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आती है, आप सारी उसकी एज निकाल सकते हैं। वर्तमान अगर राशि की देखते हैं तो कितनी हो जाएगी x-8, यानी कि 13-8, तो यानी कि 5। तृषा की अगर आप देखते हैं तो 2×13-8, यानी कि 13×2=26, 26 में से 8 गए 18। ठीक है, अब पूछा क्या है कि आज से 4 वर्ष बाद राशि की उम्र, यानी कि 4 वर्ष बाद राशि की उम्र 9 वर्ष, और 3 वर्ष बाद तृषा की उम्र, 3 वर्ष बाद तृषा की उम्र 21 वर्ष, क्योंकि अगर आज 18 है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी 21 वर्ष, का अनुपात क्या होगा, यानी कि अगर 9:21 आप देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3:7। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, अगर आप इसको एक बार पूरे को क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि जितना जितना 2-2, 3-3 अक्षर पढ़ते जाएंगे और जितना जितना वो कह रहा है उतना उतना आप करते जाइए। ठीक है, 8 वर्ष बाद उसने बोला, पहले 8 वर्ष बाद को कैलकुलेट कर लीजिए कि राशि की x होगी, तृषा की होगी उससे 2×2x। अगर आप 8 वर्ष बाद का आप x और 2x है तो वर्तमान में आप उसको लेके आइए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां भी आपको बाद या पूर्व की चीजें दे रखी हो तो उसको आप वर्तमान में लेके आ जाइए, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, वर्तमान हो गया x-8 और 2x-8, उसके बाद जो जो वो कहता जा रहा है वो करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिया ने अपने पास की कुल धनराशि का 1/4 भाग अपने भाई को दे दिया, उसके भाई ने प्राप्त धनराशि में से 1/8 भाग बस भाड़ा और 1/4 भाग शिक्षण शुल्क पर व्यय किया, इन व्ययों के बाद सिया के भाई के पास 1875 रुपए शेष थे,
तो सिया के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया हुआ कि जहां भी आपको फ्रैक्शंस दे रखे हों, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम आप लेके देखिए कितना होता है, यानी कि 4, 8 और 4, यानी कि जो उनके हर है, हर का एलसीएम कितना हो गया, 4, 8 और 4 का 8 ही एलसीएम आएगा। तो यानी कि आप टोटल धनराशि ले लीजिए 800 रुपए, ठीक है, यानी कि आपने कुल धनराशि ले ली 800, ठीक है। ये थी सिया की, यानी कि जहां भी आपको इस तरह के फ्रैक्शंस दे रखे हो, तो फ्रैक्शंस में आप जो उनका हर दे रखा है या डिनोमिनेटर जो दे रखा है उनका एलसीएम देख लीजिए, और जितना एलसीएम आता है उतना ही आप उसको, जैसे 8 एलसीएम आया तो उसकी कुल राशि आप ले लीजिए 800। अब कैलकुलेशन बिल्कुल सारी सिंपल हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अपनी कुल धनराशि का 1/4 भाग भाई को दे दिया, यानी कि भाई को कितना गया, 800 का 1/4 का मतलब 200 रुपए आप सीधा कह सकते हो, ठीक है। और उसके भाई ने प्राप्त धनराशि में से 1/8 भाग बस भाड़ा, यानी कि बस भाड़े में कितना चला गया, 200 का 1/8 कितना हो जाएगा, सीधा से आप कैलकुलेट कर सकते हो 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए चले गए बस भाड़ा में, और 1/4 भाग शिक्षण शुल्क, यानी कि शिक्षण में कितने चले गए, 200 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 सीधा सा 50 दिखता है, यानी कि 50 रुपए, ठीक है, यानी कि शिक्षण शुल्क चला गया 50 रुपए। अब इन व्यय के बाद सिया के भाई के पास 1875 रुपए शेष बचते हैं, यानी कि 200 रुपए भाई के पास थे जिसमें से 50 और 25 मतलब 75 रुपए वो खर्च कर चुका, तो भाई के पास शेष कितना बचा, 200 माइनस 75 मतलब 125, और ये 125 की वैल्यू आपको दे रखी है 1875, ये तो दे रखा है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो रही है आपके पास। अब 1875 रुपए उसके पास भाई के पास शेष बचते हैं, तो 1 के बराबर कितना हो गया, 1875/125, ठीक है, 25 से आप काट लो, 25 × 7 = 175 × 5 और 25 × 5 यानी कि 1 के बराबर आ गया 15, ठीक है। पूछा गया है आपसे सिया के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी, आपने कितनी धनराशि ली थी, 800, यानी कि 800 × 15 का मतलब 12,000 रुपए सिया के पास कुल धनराशि थी, ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ गया 5th। समझ में आया? तो छोटी सी चीज आपको बस ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपको फ्रैक्शंस में दे रखे हैं उनके हरों का आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम के साथ दो जीरो लगा दो, कैलकुलेट कर लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब अगर आप इसको एक्सेल करना चाहते हैं तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में एमए की उम्र डीओ की उम्र की 2 गुनी है, ठीक है, चलिए शुरुआत ही कर लेते हैं। एमए की उम्र डीओ की उम्र की 2 गुनी, यानी कि डीओ की अगर आपने एक्स ले ली तो एमए की होगी 2x, ठीक है, डीओ की उम्र का 2 गुना उसने बताया था तो एमए का हो गया 2x, और केमी एमए से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि केमी जो है वो एमए से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि एमए की एज होगी 2x+2। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व डीओ की उस समय की उम्र, यानी कि 2 वर्ष पूर्व डीओ की उम्र कितनी थी, भाई एक्स माइनस टू, सीधी सी बात है, ठीक है, अगर आज उसकी एक्स है तो 2 वर्ष पहले एक्स माइनस टू होगी, 2 वर्ष पूर्व डीओ की उस समय की उम्र और केमे की उस समय की उम्र का अनुपात, यानी कि केमे की उम्र उस समय कितनी थी, 2x+2 और इसका भी माइनस टू, यानी कि इसको आप कह सकते हो 2x, ठीक है, और इनका अनुपात था 4:9, यानी कि x माइनस टू और 2x का अनुपात था 4:9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x-18 और 8x, ठीक है, 8x को इधर उठा के ले आए, x माइनस 18 को दूसरी तरफ ले गए तो +18, ठीक है, तो यानी कि अब आपके पास सभी की उम्र आ गई, डीओ की होगी 18, एमए की होगी 18 × 2 = 36 और केमी जो एमए से 2 वर्ष बड़ी का मतलब 38। आपसे पूछा है कि आज से 4 वर्ष बाद एमए की उम्र क्या होगी, अगर एमए की उम्र आज 36 है तो 4 वर्ष बाद कितना, 40 वर्ष, ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राजा अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना और भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है और शेष वेतन वह अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि और बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 8,400 रुपये हो तो राजा का वेतन क्या है? ठीक है, चले राजा का वेतन हम 100 ही मान लेते हैं। वेतन हो गया उसका 100 रुपये, ठीक है, जिसमें से 30% भाग माता को दे दिया, यानी कि माता को चला गया कितना, 30। ठीक है, शेष वेतन का 70% भाग, यानी कि शेष वेतन जो बचता है वो बचता है उसके पास 70 रुपये। ठीक है, और 70 का 40% भाग, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 70 का 40% बनेगा 28, और वो जो 28 रुपये है उसको वो किस अनुपात में बांटता है, बीमा योजना को, बीमा योजना और भविष्य निधि में 4:3, यानी कि ये जो 28 है वो 4x और 3x, यानी कि 7 के बराबर 28, तो 1 के बराबर 4। तो आप देखिए कि बीमा में कितना हो गया उसका, 4 × 4 16 रुपये, और भविष्य निधि में कितना हो गया, 12 रुपये। समझ में आया? ठीक है, शेष वेतन का, यानी कि अगर 30 रुपये उसने दे दिए तो 70 रुपये उसके पास बचे होंगे। अब शेष का वेतन, शेष वेतन का 40%, यानी कि 70 का 40%, तो आपने अगर उसको देखेंगे तो होगा 28 रुपये। अब 28 रुपये को वो 4:3 के अनुपात में बांटता है, यानी कि 4:3, 4 और 3 7, 7 को आप 28 को डिवाइड करोगे 4 बार, 4 × 4 16, 4 × 3 12। ठीक है, यानी कि बीमा और भविष्य दोनों में आ गया उनके पास 16 और 12 रुपये, यानी कि अब वो खर्च कितना कर चुका भाई, 30 रुपये अपनी माता को दे दिए और 28 रुपये जो है उसने कहीं ना कहीं या तो बीमा में या भविष्य में निवेश कर दिया। अब बाकी पे उसके पास कितना बचता है, शेष वेतन जो बचता है वो बचता है 100 रुपये उसके पास थे, माइनस 30 और 28 58 चले गए, यानी कि अब उसके पास बचते हैं 42 रुपये। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है कि यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि यानी कि 30 रुपये और बीमा योजना में निवेशित धनराशि, बीमा में उसने दिए हैं 16 रुपये, तो और इनका अंतर जो है माता को दी गई धनराशि और बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर, यानी कि 30 और 16 का अंतर 14 के बराबर जो दे रखा है उसने, 84 रुपये। ठीक है, इस पॉइंट की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी कि शेष वेतन को हमने निकालना भी है। ठीक है, क्योंकि उसने दिया था कि माता और बीमा इनके द्वारा जो निवेश हुआ है उसका अंतर 84 रुपये, यानी कि 30 और 16 का अंतर कितना हो गया, 14, तो 14 के बराबर 84, 1 के बराबर 8400/14, मतलब 600 रुपये। ठीक है, राजा का वेतन 100 रुपये था, तो यानी कि 60 × 100 60,000 आंसर आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवा अपने मासिक वेतन की 20% धनराशि अपनी माता को देती है एवं शेष वेतन की 50% धनराशि वह क्रमशः 5:8 के अनुपात में बीमा योजना और भविष्य निधि कोष में निवेश करती है। वह शेष धनराशि बैंक खाते में जमा करता है। यदि माता को दी गई धनराशि और भविष्य निधि कोष में जमा की गई धनराशि का योगफल 12,600 रुपये हो तो शिवा का मासिक वेतन क्या है? लगभग पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसने चेंज किया हुआ है। देखिए, अपने मासिक वेतन की 20% धनराशि, यानी कि उसका मासिक वेतन आप 100 रुपये मान लो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, यानी कि मासिक वेतन 100 रुपये हो गया, माता को कितना चला गया, 20 रुपये। ठीक है, 20% दिया है तो शेष कितना बचा, 80 रुपये। ठीक है, अब बीमा और भविष्य निधि में जो निवेश करती है वो शेष वेतन का 50%। ठीक है, यानी कि बीमा और भविष्य निधि में जो वो निवेश कर रही है वो कितना कर रही है, शेष वेतन का, यानी कि 80 का 50%। 50% का मतलब आप 1/2 कह सकते हो, तो यानी कि 80 का आधा कितना हो गया, 40 रुपये जो है वो बीमा
और भविष्य निधि में निवेश करती है, लेकिन किस रेशो में? 5:3 के अनुपात में, ठीक है, यानी कि 40 को वो 5:3 के अनुपात में निवेश करती है, यानी कि बीमा और भविष्य निधि, ठीक है, 5:3 = 8, यानी कि टोटल निवेश जो अनुपात है वो है 8, और 8 = 40, तो 1 = कितना? 5, तो बीमा में कितना हो गया, 5 × 5 = 25, और भविष्य निधि में 5 × 3 = 15, ठीक है। पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही है कि 40 को आपने 200 में बांटना है 5:3 में, तो 5 और 3 = 8, 8 से 40 को डिवाइड किया 5, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि माता को दी गई धनराशि मतलब 20 और भविष्य निधि कोष में जमा की गई धनराशि यानी कि 15 और इसका योगफल अगर 12,600 रुपये हो तो, ठीक है, तो शिवा का मासिक वेतन कितना है? देखिए अगर 35 = 12,600 रुपये, ठीक है, तो 1 = कितना हो गया, 12,600/35, ठीक है, 35 आप इसको डिवाइड करोगे तो 35 × 3 = 105 बचेगा 21,000, यानी कि 360, यानी कि 1 = आ गया आपके पास 360, तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 100 = यानी कि 360 × 100 का मतलब 36,000, ठीक है, लगभग पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, समझ में आ गया, यानी कि जो माता को देने के बाद जो उसके पास 80 रुपए बचते हैं उसका आधा यानी कि 40 रुपए वो बीमा और भविष्य निधि में 5:3 के अनुपात में निवेश करता है, यानी कि बीमा में कर दिए 25 रुपए और भविष्य में कर दिए 15 रुपए, ठीक है, तो माता और भविष्य निधि मतलब 20 और 15 = 35, 35 = दे रखा है 12,600, तो आपने 100 = निकालना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ए से 18 वर्ष बड़ा है, आज से 6 वर्ष बाद बी की उम्र और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 है, यदि वर्तमान में सी की उम्र ए की उम्र की 2 गुनी हो तो 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र क्या थी। देखिए शुरुआत कहां से कर लेंगे, बी ए से 18 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए की अगर आप वर्तमान आयु एक्स ले लेते हैं तो बी की कितनी होगी, उससे 18 वर्ष अधिक, यानी कि एक्स प्लस 18, ठीक है, और यदि वर्तमान में सी की उम्र ए की उम्र की 2 गुनी हो, यानी कि सी की उम्र जो है ए की उम्र की 2 गुनी, यानी कि एक्स का 2 × 2x हो, ठीक है, तो तीनों की आपके पास वर्तमान उम्र आ चुकी है। अब उनका रेशो उसने दे रखा था कि आज से 6 वर्ष बाद बी की उम्र और सी की वर्तमान उम्र, यानी कि 6 वर्ष बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 18 और प्लस 6 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, क्योंकि 6 वर्ष बाद उसके 6 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो यानी कि एक्स प्लस 24 कह सकते हैं आप इसको सीधा, मैं इसको सीधा 24 ही लिख देता हूं, यानी कि B की उम्र 6 वर्ष बाद x प्लस 24 और C की वर्तमान उम्र यानी कि 2x, इसका अनुपात आपको कितना दे रखा था, 3:2, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 48 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, ठीक है, 2x को इधर ले गए 4x = 48, x = 12, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आती है तो सारी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, a की उम्र कितनी होगी 12, b की उम्र कितनी होगी 12 + 18 = 30 और c की उम्र कितनी होगी 2x का मतलब 24। अब आपसे पूछा है कि 4 वर्ष पूर्व b की उम्र क्या थी, अगर आज उसकी उम्र 30 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी की वर्तमान उम्र 6 वर्ष पूर्व ए की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है, 9 वर्ष पूर्व ए की उम्र और 6 वर्ष पूर्व बी की उम्र का अनुपात 9:4 था, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है। देखिए बी की जो वर्तमान उम्र है वो 6 वर्ष पूर्व ए की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है, और 9 वर्ष पूर्व ए की उम्र और 6 वर्ष पूर्व बी की उम्र का अनुपात 9:4 था, ठीक है, यानी कि इसको आप
ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं पहले, 9 वर्ष पूर्व, अगर आप ए की उम्र ए ही ले लो तो 9 वर्ष पूर्व ए माइनस 9, ठीक है, यानी कि ए की वर्तमान उम्र अभी आपने ले ली ए, तो 9 वर्ष पूर्व कितना हो गया ए माइनस 9, और बी की उम्र आपने ले ली बी ही, और 6 वर्ष पूर्व बी की उम्र बी माइनस 6, और इनका अनुपात कितना था 9/4, ठीक है, देख लेते हैं, 4a-36 = 9b-54, ठीक है, तो 4a-9b = कितना हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 18, ठीक है, यहां से इसका रेशो नहीं निकल पा रहा, ठीक है, ए और बी यहां से स्टार्ट करके देख लेते हैं, देखिए बी की वर्तमान उम्र, यानी कि बी की जो वर्तमान उम्र है वो 6 वर्ष पूर्व ए की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर बी की उम्र आप एक्स ले लेते हो, ठीक है, बी की उम्र आपने ले ली एक्स, तो ए की कितनी होगी, ये कह रहा है कि बी की वर्तमान उम्र जो है यानी कि एक्स जो है वो 6 वर्ष पूर्व ए, 6 वर्ष पूर्व ए, 6 वर्ष पूर्व ए की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है, यहां से हम ए की वैल्यू भी या ए की वर्तमान आयु जो है उसको भी एक्स की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है, यानी कि बी की वर्तमान उम्र जो है आपने एक्स ले ली, और ये जो एक्स है वो ए की 6 वर्ष पूर्व की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है, यानी कि एक्स बराबर क्या हो गया ए माइनस 6 + 6, ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपका आ जाएगा 2, 2 × 3 = 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 से 6 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया a बाई 2, यानी कि a आपका पास क्या हो गया 2x, ठीक है, तो यहां से हमने x की फॉर्म में ही a और b दोनों को बना लिया, तो b का हो गया x, a की होगी 2x। अब 9 वर्ष पूर्व a की उम्र, और यानी कि अगर a और b की वर्तमान उम्र आपके पास x और 2x आ गई है, तो 9 वर्ष पूर्व ए की उम्र कितनी थी 2x-9, 9 वर्ष पूर्व ए की उम्र, और 6 वर्ष पूर्व बी की उम्र यानी कि x-6, और इनकी उम्रों का अनुपात था 9/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x-36 और 9x-54, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आइए x बचेगा, 54 को उठा के इधर ले जाइए 18, यानी कि x की वैल्यू 18, तो B का कितना हो गया 18 और C A का कितना हो गया 36, ठीक है, तो यानी कि आपसे B की उम्र पूछी थी, B की उम्र आ गई 18 वर्ष, तो यहां से आप जो A और B है उसको दोनों को X की फॉर्म में आप चेंज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:2 है, आज से 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की उम्रों का अनुपात 1:2 हो जाएगा, पिता और माता की वर्तमान उम्रों का क्रमशः क्या अनुपात होगा, देख लेते हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र जो है 5x और 2x, यानी कि पिता की होगी 5x और पुत्र की होगी 2x, ठीक है, आज से 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता, यानी कि 4 वर्ष बाद अगर आप काउंट करोगे तो होगा क्या कि पुत्र की कितनी हो जाएगी 2x + 4, और माता की आपको पास नहीं दे रखी है तो माता की वर्तमान आयु आप m ले लो, ठीक है, और m+4, ठीक है, तो आज से 4 वर्ष बाद पुत्र यानी कि 2x + 4 और उसकी माता यानी कि m+4, इनका अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी कि 2x + 4/m+4, इसका फायदा क्या होगा कि ये जो हमारे पास m या उसकी माता है उसका भी जो उम्र है वो x की वैल्यू या x की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 4x+8 और m+4, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, 4 को अगर उठा के इधर लेके आएंगे तो 4x+4, ठीक है, तो ये होगी इसकी माता की आयु, पिता की भी पुत्र की भी और माता की भी
आयु जो है आपके पास मिल गई, ठीक है। तो पिता एवं माता की वर्तमान उम्रों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, ये जो हमारे पास आया वो क्या आया, 2x अपॉन 2x प्लस 4, यानी कि 4 वर्ष बाद जो आया हमारे पास, ये जो उम्र आ रही है हमारे पास आ रही है 4 वर्ष बाद की, ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद 4x प्लस 4 है तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 4 और -4, क्योंकि 4 वर्ष बाद की है। अगर आपके पास एज इतनी आ रही है तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, -4, यानी कि सही कट गया, तो वर्तमान होगी 4x। अब आपसे पूछा है कि पिता और माता की वर्तमान उम्रों का अनुपात, यानी कि 5x और 4x का अनुपात, x से x कट गया, यानी कि रेशो आ गया आपके पास 5:4, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि पिता और पुत्र की आपके पास 5x 2x सीधा दे रखा है, 4 वर्ष बाद उनका अनुपात ये हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद ही आपने उनकी आयु, माता की आयु निकाल ली, ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद 4x प्लस 4 है तो वर्तमान कितनी होगी, -4 हो जाएगा, यानी कि 4x उनका अनुपात 5:4। आगे बढ़ते हैं, 4 वर्ष बाद शिल्पा की उम्र और 4 वर्ष पूर्व रघु की उम्र का योग 63 वर्ष है। आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की उम्र और 3 वर्ष बाद रघु की उम्र का अनुपात क्रम से 10:21 है, तो शिल्पा की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए यहां हम इसमें दो इक्वेशन भी बना सकते हैं, है ना। 4 वर्ष बाद शिल्पा की उम्र, यानी कि शिल्पा की उम्र आपने ले ली एस और रघु की आपने ले ली आर, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद शिल्पा की उम्र कितनी हो जाएगी, s+4, और 4 वर्ष पूर्व रघु की उम्र कितनी थी, r-4, ठीक है। 4 वर्ष बाद शिल्पा की उम्र s+4 और 4 वर्ष पूर्व रघु की उम्र r-4, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना दे रखा था आपको, 63 वर्ष, ठीक है। यानी कि s+r = 63, क्योंकि इस -4 से +4 कट गया, तो s+r यानी कि शिल्पा और रघु की उम्र का जो योग है वो है 63 वर्ष, ठीक है। अब दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको शिल्पा की आयु, अब आपने क्योंकि यहां आपको दे दिया s+r, शिल्पा और रघु की उम्र का योग 63 दे रखा है, तो यानी कि शिल्पा की अगर आप उम्र x ले लेते हैं तो रघु की उम्र कितनी होगी, 63 - x, ठीक है। तो जहां भी दो चीजों का टोटल दे रखा हो आप ले लो x, और दूसरा हो गया टोटल -x, ठीक है। तो यहां s और r दो की उम्र दे रखी थी, तो एक को ले लिया आपने x, दूसरा हो गया टोटल -x, मतलब 63 - x। अब देखिए, आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की उम्र, यानी कि x-4, और 3 वर्ष बाद रघु की उम्र, यानी कि 63 - x और +3, इसका अनुपात जो दे रखा था वो दे रखा था 10/21, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21x-84 = 63 और 3 66, 66 में 10 का गुणा करोगे तो 660 और -10x, ठीक है। 10x को उठा के इधर ले गए, 31x हो गया, ये इधर माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 और 66 और 8 74, ठीक है। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, 744/31, 31 आप इसको काटोगे, 31 × 62 = 12, 4 × 31 = 124, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 24। शिल्पा की उम्र आ गई आपके पास 24 और रघु की आ गई 39। पूछा क्या है, शिल्पा की वर्तमान उम्र कितनी है, 24 वर्ष, ठीक है। शिल्पा की 4 वर्ष बाद और रघु की 4 वर्ष पूर्व की उम्र का योग जो है वो 63 था, यानी कि s+4 + r-4 = 63, यानी कि शिल्पा और रघु की उम्र का अनुपात योग दे रखा है आपको 63, ठीक है। एक को आपने x ले लिया, एक को ले लिया 63 - x, ठीक है। एक की 4 वर्ष बाद, दूसरे की 3 वर्ष बाद की उम्रों का अनुपात 10:21, तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकलते ही आपका शिल्पा की उम्र। आगे बढ़ते हैं, 8 वर्ष पूर्व पूर्वी की उम्र उसके पुत्र और उसकी पुत्री के वर्तमान उम्रों के योग के बराबर है। आज से 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 7:6 हो जाएगा। पूर्वी के पति उससे 7 वर्ष अधिक उम्र के हैं और उनकी वर्तमान उम्र उनके पुत्र की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। उनकी पुत्री की वर्तमान उम्र
क्या है? देख लेते हैं, पूर्वी के पति उससे 7 वर्ष अधिक उम्र के हैं, यानी कि अगर आपने पूर्वी की उम्र ले ली, उसकी वर्तमान उम्र उनके पुत्र की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। चलो पुत्र से स्टार्ट करते हैं। अगर पुत्र की आयु आपने एक्स ले ली तो पूर्वी के पति की उम्र कितनी होगी? 3x। क्यों? क्योंकि वो यही कह रही है कि उनकी वर्तमान उम्र जो है, यानी कि पूर्वी के पति की वर्तमान उम्र जो है पुत्र की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि पुत्र की उम्र होगी आपके पास एक्स, तो पूर्वी के पति की उम्र कितनी होगी? 3x। और पूर्वी के पति उससे 7 वर्ष अधिक उम्र के हैं, यानी कि पूर्वी की उम्र कितनी होगी? 3x-7। अगर पूर्वी के पति 7 वर्ष अधिक उम्र के हैं तो यानी कि पूर्वी जो है उससे 7 वर्ष छोटी हुई, तो यानी कि 3x-7। ठीक है, अब तीनों की उम्र जो है आपके पास x की वैल्यू में आ चुकी है। पुत्र की होगी x, पूर्वी के पति की होगी 3x और पूर्वी की उम्र होगी 3x-7। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कहां से क्या निकल सकता है। आज से 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 7:6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुत्री भी इसमें दे रखी है, आज से 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 7:6 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि अगर मैं पुत्री को वाई ले लूं, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी? x+5 और वाई की कितनी हो जाएगी? y+5। ठीक है, यानी कि आज से 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात जो हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। ठीक है, पुत्री और पुत्र यानी कि y+5 और डिवाइडेड बाई x+5, इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6y+30 और 7x+35। ठीक है, छह वाई बराबर कितना हो गया? इस 35 को उठा के इधर ही ले जाइए, यानी कि 7x+5 बचेगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा। वाई बराबर क्या हो जाएगा? 7x+5/6। ठीक है, यानी कि जो उसकी पुत्री की आयु है वो है 7x+5/6। ठीक है, वाई को उठा के मैं ये लिख लू, यानी कि 7x+5/6। ठीक है, अब 8 वर्ष पूर्व पूर्वी की उम्र, 8 वर्ष पूर्व पूर्वी की उम्र, यानी कि 3x-7 और -8, ये जो है उसके पुत्र और पुत्री के वर्तमान उम्रों के योग के बराबर है, यानी कि ये जो है वो x और 7x+5/6 के योग के बराबर है। यहां से आप x की वैल्यू, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3x-15 और इसको अगर आप करोगे तो 6 और 6x+7x+5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 18x-90 और ये 6 और 7 13x+5। 13x को उठा के इधर ले आइए, 5x बचेगा और 90 को उठा के इधर ले जाइए 95, तो x बराबर आ गया 95/5 का मतलब 19। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 19। उनकी पुत्री की वर्तमान उम्र आपसे पूछी थी, पुत्री की वर्तमान उम्र 7x+5/6, यानी कि 19 × 7 133 और 133+5/6 138/6, यानी कि आपके पास 23। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था। ठीक है, पुत्र की आप x ले लो तो पूर्वी के पति की होगी 3x और पूर्वी की उम्र होगी उनसे पति से 7 वर्ष छोटी, यानी कि 3x-7। ठीक है, पुत्री की भी उम्र आपने निकालनी पड़ेगी और वो निकलेगी आपकी 7x+5/6। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आप चलते जाइए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था, कहीं से कहीं उसके कड़ियां जोड़ रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 5, 6, 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती हो जाए।
देखिए, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और समानुपाती संख्या आपने करनी हो, तो आपके पास दो रास्ते बचते हैं। या तो आप x मान लो कि भाई इसमें से भी x, इसमें से भी x, इसमें से भी x, इसमें से भी x, चारों में से x को माइनस करेंगे तो समानुपात। समानुपात का मतलब पहले और दूसरे का अनुपात और तीसरे और चौथे का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि पहले में से भी और दूसरे में से भी x x माइनस किया तो इनका रेशो जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि पहले में से x और दूसरे में से x घटाया, उनका रेशो जो है वो तीसरे और चौथे के में से x घटाने के बाद के रेशो में बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 7 × 3 = 21, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 3x, फिर x का मल्टीप्लाई करोगे 7x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें करोगे तो 5 × 6 में करोगे 30, 5 × x में करोगे -5x, माइनस एक्स करोगे -6x और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां बचेगा माइनस का 10x प्लस 21 और यहां बचेगा माइनस के 11x और प्लस 30। इसको उठा के माइनस के 11x को उधर उठा के लेके जाएंगे तो x बचेगा और 21 को उठा के ले जाएंगे तो 9 बचेगा, यानी कि x बराबर 9। तो पहला रास्ता तो ये हो गया कि सभी में से आप x x माइनस करो, पहले दूसरे को ऊपर नीचे रखो, तीसरे चौथे को ऊपर नीचे रखो और दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। अब दूसरा रास्ता हमारे पास बचता है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू कैसे, 3 − 5 सॉरी, पहला ऑप्शन अगर आप लेते हो तो 3 − −4 और 5 − −4, इसका अनुपात जो है वो 6 − −4 और 7 − −4 इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 = 7, 5 और 4 = 9, 6 और 4 = 10 और 7 और 4 = 11। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि रेशो जो है उसका बराबर होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, दूसरा ऑप्शन अगर आप 9 लेते हो तो 3 − 9 / 5 − 9 और 6 − 9 / 7 − 9, तो 3 − 9 का मतलब -6, 5 − 9 का मतलब -4 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 और इसको करेंगे तो -2, ठीक है। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 3/2 = 3/2, ठीक है, यानी कि आंसर आपका सेकंड। तो दोनों रास्तों से कर सकते हैं, या तो आप x ले लो या फिर दोनों के साथ जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस के थ्रू चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में तथा उसका परिमाप जो है 104 सेंटीमीटर है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है। देखिए, जब हम रेशो लेते हैं तो हम उसको फ्रैक्शंस में नहीं लेते, ठीक है, फ्रैक्शंस की बजाय हम उसको, फ्रैक्शंस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4 तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो गया, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 6 × 1 = 6, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4, यानी कि 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू जो आप रेशो जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो 6, 4, 3, हर को छोड़ देते हैं, ठीक है, जो भी एलसीएम आया उसको हम काउंट नहीं करते। हमारा जो अनुपात अब आ गया 6, 4 और 3 का आ गया, ठीक है। परिमाप मतलब परिमाप क्या होता है कि आपके पास मान लो ये 6, ये 4, ये 3, तो यहां से स्टार्ट किया भुजाओं के कोने पे घूमते घूमते और लास्ट में वही, यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो 104। यहां से अगर आप अनुपातिक योग देखते हो तो कितना होता है, 6, 4, 10 और 3 = 13, यानी कि 13 के बराबर आपको दे रखा है 104, तो 1 के बराबर कितना हो गया, 104/13 का मतलब 8, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा यानी कि 6 के बराबर है तो 8 × 6 = 48, ऑप्शन आपका थर्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस एक आपको छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी आपको इस तरह फ्रैक्शंस में आपको रेशो दिए जाए तो उसको फ्रैक्शंस को हटा लीजिए और एलसीएम लेके उसको एक बराबर अनुपात में कर लीजिए, ठीक है। जो ऊपर का अनुपात आएगा वो ही आपका एक्चुअल रेशो होगा। तो 6, 4, 3 यहां गया, 6, 4, 3 का परिमाप आपको दे रखा था, परिमाप का मतलब टोटल, तो 13 = 104, 1 = 8, सबसे बड़ी 8 × 6 = 48। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था, यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य क्या था।
अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान है। देखिए अगर हम उसको मूल हीरे का अगर आप वजन देखते हैं, ठीक है, तो मूल हीरे का आप वजन क्या लोगे, जो आपको रेशो दे रखे हैं सभी का टोटल, यानी कि एक दो तीन और चार, इन सभी का टोटल वजन कितना हो जाएगा 10। यानी कि आप मूल हीरे का वजन उसका जो अनुपातिक योग था उसके बराबर ले लीजिए, तो मूल हीरे का वजन कितना हो गया 10। अब ये कह रहा है कि हीरा जो है चार हिस्सों में टूट गया, एक दो तीन और चार, ठीक है, इतने ग्राम के हीरों में आप कह सकते हो कि टूट गया चार हिस्सों में, और हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर आपके पास 10 ग्राम का हीरा है तो उसका मूल्य कितना हो गया 10 का वर्ग 100, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अब एक दो तीन चार ग्राम के हीरे हैं तो उनका वजन कितना हो जाएगा भाई, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, तीन का वर्ग और चार का वर्ग, यानी कि एक चार नौ और 16, यानी कि अब उसका जो मूल्य है वो है 25 रुपये, सॉरी एक चार नौ, एक चार पांच, पांच नौ 14 और 6 30, यानी कि अब जो उसका वजन है वो जो एक दो तीन चार के हिस्सों में टूटा था उसके अकॉर्डिंग हो गया उसका मूल्य 30 रुपये, क्योंकि उसने यही बोला था कि भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग। अब जो चार हिस्से आपके पास बचे हुए हैं उनका कुल मूल्य उनके वर्गों के योग के बराबर, यानी कि 30 रुपए के बराबर, ठीक है। यानी कि उसका मूल हीरा का वजन कितना था 10 ग्राम, यानी कि मूल हीरे का मूल्य कितना था 100 रुपए। टूटने के बाद एक दो तीन चार के हिस्सों में टूटा है तो उसका मूल्य कितना हो गया 30 रुपए, यानी कि 70 और 30, तो हानि कितने की होगी 70 रुपए की होगी, क्योंकि पहले 100 था अब हो गया 30, तो हानि कितने की हुई 70 की, लेकिन 70 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 70,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 70,000/70, यानी कि 1,000, ठीक है। मूल हीरे का मूल्य 10 के अकॉर्डिंग 100 था, ठीक है, तो मूल हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा 10 × 100 का मतलब 1,00,000 रुपए, समझ में आया। अब इसको अगर आप जल्दी से देखना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अगर हम मूल हीरे का मूल्य देखना चाहते हैं तो एक दो तीन चार, यानी कि 10 का वर्ग 100, ठीक है, और एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, यानी कि टोटल बन गया 30, तो 100 और 30 का अंतर कितना है 70, और 70 के बराबर 70,000, ठीक है। अगर 70 के बराबर 70,000 तो 100 के बराबर 100,000, यानी कि 100,000 का मतलब 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समर्थ की वर्तमान उम्र अपनी पुत्री त्रिषा की वर्तमान उम्र से 5 गुनी है, ठीक है, यानी कि आपने त्रिषा की उम्र ले ली x, तो समर्थ की कितनी होगी 5 गुनी का मतलब 5x, ठीक है, और समर्थ की पत्नी फाल्गुनी, यानी कि फाल्गुनी की उम्र कितनी हो जाएगी अब त्रिषा से 26 वर्ष अधिक, यानी कि x प्लस 26, ठीक है, यानी कि त्रिषा से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि x से प्लस 26 है। 10 वर्ष पूर्व समर्थ की तब की उम्र के 3 गुने और फाल्गुनी की तब की उम्र के 2 गुने के मध्य अंतर 42 वर्ष था, यानी कि 10 वर्ष पूर्व की अगर आप बात करो तो समर्थ की उम्र कितनी होगी 5x - 10 और फाल्गुनी की उम्र कितनी होगी x प्लस 26 - 10, ठीक है जी। अभी कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो थी समर्थ की तब की उम्र का 3 गुना, यानी कि 5x - 10 का 3 गुना और फाल्गुनी की तब की उम्र के 2 गुने, यानी कि इसको आप कह सकते हो x प्लस 26 में से 10 गए 16, इसके 2 गुने का अंतर जो था वो था 42 वर्ष। कह सकते हो जितना क्वेश्चन बोलता जा रहा है उतना उतना करते जाइए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 15x - 30 - 2 का होगा तो 2x और
ये 16 गुना 2 32 हो जाएगा, बाहर का जो माइनस का साइन है वो इसको बना देगा माइनस, यानी कि 42। ठीक है, 15 माइनस 2 13x बचा, और 30 और 42 ये 32 62, 62 जाके उधर हो जाएगा प्लस का, यानी कि 42 प्लस 62, तो 13x बराबर हो गया 104, x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक है, यानी कि तृषा की होगी उम्र 8 वर्ष, समर्थ की होगी 40 वर्ष, और फाल्गुनी की होगी 34 वर्ष। ठीक है, तीनों की उम्र आपके पास आ गई 8, 40 और 34। अब आज से 12 वर्ष बाद फाल्गुनी और समर्थ की उम्र का अनुपात क्या होगा, यानी कि अगर उसकी उम्र आज 34 साल है तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा 46, और समर्थ की उम्र यानी कि 12 वर्ष बाद समर्थ की उम्र कितनी हो जाएगी 52, तो इसका अनुपात आपसे पूछा था 2 से कट जाएगा 23, 2 से कट जाएगा 26, यानी कि अनुपात क्या आ गया 23:26। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यानी कि ए की होगी 2x, सिंपल सा है, बी की होगी 3x। ठीक है, आज से 21 वर्ष बाद बी की उम्र, यानी कि 21 वर्ष बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी 3x प्लस 21। ए की 6 वर्ष बाद की, ए की 6 वर्ष बाद की उसकी उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आज से 21 वर्ष पश्चात बी की उम्र, यानी कि बी की उम्र 21 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस 21। ए की 6 वर्ष बाद की उम्र, यानी कि अगर ए की 2x है तो 2x प्लस 6, तो 6 वर्ष बाद की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हो जाएगा 3x प्लस 21, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 4x प्लस 12। ठीक है, 3x को उठा के इधर ले आए x, 21 को उठा के इधर लेके 9, यानी कि x बराबर 9। तो ए और बी की वर्तमान उम्रों के मध्य अंतर कितना है 3x, 3x माइनस 2x, यानी कि x का ही अंतर है, और x की वैल्यू आपके पास 9, यानी कि आपके पास 9। ठीक है, या तो आप इसको ये कर सकते हो कि 9 गुना 2 18, 9 गुना 3 27, इन दोनों का अंतर अब देख लो तो 27 और 18 का अंतर 9 वर्ष, या फिर 3x और 2x का अंतर 1x और 1x का अंतर ही 9 दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 7, 9, 11, 3 के अनुपात में किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण इस चतुर्भुज के तीसरे सबसे बड़े कोण के बराबर है। चतुर्भुज के शेष दो कोण बराबर हैं, सॉरी त्रिभुज के शेष दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज का छोटा कोण और चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है। देखिए, यहां आपको जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है चतुर्भुज के कोणों का। ठीक है, अब अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो या ज्यामिति पढ़ी हो तो उसमें हमें पता होता है कि भाई चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि 7, 9, 11 और 3, 7, 9, 16, 16, 11, 27 और 3, 30, यानी कि 30 के बराबर आपको कितना हो जाएगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग ही 360 डिग्री होता है। तो यानी कि 1 के बराबर कितना हो गया 36/3 मतलब 12। ठीक है, तो यानी कि कोण कौन कौन से हो गए, 12 गुना 7 84, 12 गुना 9 108, 12 गुना 11 132, और 12 गुना 3 36, यानी कि चारों कोण अब आपके पास आ गए। अब त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है इस चतुर्भुज के तीसरे सबसे बड़े कोण के बराबर है। तीसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये पहला सबसे बड़ा, फिर दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का एक कोण कितना हो गया, चौरासी, तो शेष दो कितने बचे, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 में से अगर आपने 84 को तीसरा कोण एक कोण ले लिया है तो बाकी दो कोण कितने बचे, 180 माइनस 84, यानी कि 96। ठीक है, यानी कि 96 जो डिग्री जो बचता है वो बाकी दो कोणों का योग बचता है। अब त्रिभुज के शेष दो कोण बराबर हैं, यानी कि ये जो शेष दो कोण है वो 96 जो है वो दो बराबर संख्याओं का योग है, यानी कि आपको पता लग गया कि एक कोण हो गया 84, दूसरा हो गया 48 और तीसरा भी 48। ठीक है, क्योंकि दो कोण बराबर हैं, तो यानी कि 48-48 के दो कोण हुए और एक हो गया 84 का। ठीक है, तो आपके पास चारों कोण चतुर्भुज के आ गए और तीनों कोण त्रिभुज के आ गए। अब जो पूछा है वो आपने बताना है कि त्रिभुज का छोटा कोण यानी कि
48। और चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन कौन सा है, 108, क्योंकि 132 सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर आता है 108 का। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है, यानी कि ये दो आंसर आपके 48 और 108, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट। ठीक है जी, समझ में आया। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोण जो हो गए 7, 9, 11 और 3 के अनुपात में, यानी कि 7, 9, 16, 16, 11, 27, 27 और 3, 30। 30 के बराबर आपको दे रखा है 360। अब 360 दे नहीं रखा, लेकिन हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 ही होता है। तो 1 के बराबर 12, तो सारे कोण आपके पास आ गए 84, 108, 132 और 36। ठीक है, अब त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण था वो तीसरे सबसे बड़े कोण के बराबर था। ठीक है, 132 और 108 यानी कि तीसरा आ गया 84, तो एक कोण हो गया 84 और बाकी दो कोण बराबर, मतलब 48 और 48। पूछा है आपसे त्रिभुज का छोटा कोण यानी कि 48 डिग्री और चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण यानी कि 132 के बाद 108। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 48 और 108। चलिए, आपका अनुपात समानुपात के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे डील हो चुके हैं, यानी कि अनुपात समानुपात का चैप्टर पूरा होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो एक नए चैप्टर के साथ होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।